Hey guys, how are you doing all guys? I hope you people are absolutely fine at your home guys. So welcome you all to my English learning platform guys. So today guys, I'm gonna discuss something in the basics as we have done do, does, did, will guys present, past, future जो हम कर चुके हैं. So आज guys मैं बात करने वाला हूँ उसी basic को लेकर जैसे आप लोगों ने present, past, future use किया था उस basic को हम basically अपनी रूटीन बताने के लिए गाइज. आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपनी रूटीन बताते हैं प्रेजेंट पास फ्यूचर की, हम लोग रूटीन बताते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट गाइज. जैसे प्रेजेंट में आप लोग मुझसे पूछते थे सर कि आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, और मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ आई स्मोक या आई डू नॉट स्मोक. मैं स्मोक करता हूँ तो आई स्मोक, मतलब आई एक्शन, नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन. कोई भी काम गाइज, जैसे डू यू गो टू जिम, आई गो टू जिम या आई डू नॉट गो टू जिम. अगर मतलब मैं कोई काम करता हूँ तो आई एक्शन. इट्स रियली सिंपल राइट. नाउ गाइज, अगर सपोज गाइज मैं आपसे पूछ लूं आपकी रूटीन के बारे में, आपकी प्रेजेंट रूटीन के बारे में और हिंदी में गाइज, सो आप लोग मुझे हिंदी में बड़े इजीली बता सकते हैं कि सर मैं सुबह उठता हूं, अपना फेस साफ करता हूं, वॉक पे जाता हूं, वापस आता हूं, ब्रश करता हूं, नहाता हूं, तैयार होता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, और जैसे कुछ लोग कहेंगे मैं ऑफिस जाता हूं. जो कॉलेज गोअर हैं और स्कूल गोअर हैं वो बता देंगे कि मैं स्कूल जाता हूं, पढ़ता हूं, घर आता हूं, लंच करता हूं, टीवी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, उसके बाद डिनर करता हूँ और बेड पे जाता हूँ. सो कहने का मतलब आप लोग हिंदी में अपनी रूटीन बता सकते हैं कि मैं ये करता हूँ, 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 राइट. सो कहने का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ सो इट्स रियली सिंपल गाइज. आप बता सकते हैं आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन. बस आपको सिर्फ एक्शंस पता रहने चाहिए राइट गाइज. जैसे सबसे पहले मैं उठता हूँ, सो सबसे पहले उठने को हम बोलते हैं आई गेट अप राइट. उसके बाद मैं अपना फेस साफ करता हूँ, आई वाइप आउट माय फेस. उसके बाद आपने कहा मैं वॉक पे जाता हूँ, सो वॉक पे जाना दैट इज गो फॉर अ वॉक. आप कह सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक. मैं वापस आता हूँ, आई कम बैक. उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश. नहाता हूँ, आई टेक बाथ. तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी. ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट. स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस. आपने कहा वहां जाने के बाद जो भी आप करते हैं, जैसे आपने कहा मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी. उसके बाद घर आता हूँ, आई कम बैक होम, आई वॉच टीवी, आई टेक लंच, आई स्टडी, आई मीट माई फ्रेंड राइट. एज इट इज आपने कहा आई टेक डिनर, आई यूज माई मोबाइल, आई गो टू बेड. दैट्स इट, दिस इज माई प्रेजेंट रूटीन. इट्स सो सिंपल गाइज. कहने का मतलब आप अपनी प्रेजेंट रूटीन इस तरीके से बता सकते हैं, आई गेट अप, आई गो फॉर अ वॉक, आई कम बैक, आई ब्रश, आई टेक बाथ, आई गेट रेडी, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी, आई कम बैक, आई टेक लंच, आई वॉच टीवी, आई मीट माई फ्रेंड, आई यूज मोबाइल, एनीथिंग गाइज, जो भी एक्शन आप करते हैं राइट. उसके बाद आप लास्ट में बता सकते हैं आई टेक डिनर, आई गो टू बेड. दैट्स इट. सो दिस इज योर प्रेजेंट रूटीन गाइस. इट्स रियली रियली सिंपल. जो बेसिक से एक्शंस हैं वो आप इस रूटीन में बता सकते हैं, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन करके. आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि टेल मी अबाउट योर रूटीन, ऐसे ही गाइस अगर आपसे कोई पूछे अपनी पास्ट रूटीन के बारे में बताओ, व्हाट यू डिड लास्ट डे, आपने कल क्या किया था राइट. कल क्या किया था. सो आपसे अगर हिंदी में पूछा जाए तो हम हिंदी में इजिली बता सकते हैं कि मैं उठा था, वॉक पे गया था, वापिस आया था, तैयार हुआ था, ब्रेकफास्ट किया था, जो भी गाइस आपने काम किया था आप सब बता देंगे. मैं कॉलेज गया था, पढ़ा था, घर आया था, टीवी देखा था, लंच किया था, दोस्त से मिला था, मोबाइल चलाया था, पढ़ा था, क्रिकेट खेला था, डिनर किया था, बेड पे गया था, और दैट्स इट राइट. तो कहने का मतलब पास्ट. सो पास्ट में गाइस आप लोगों को याद है राइट गाइस. जैसे आप सामने वाले से पूछते थे डिड यू एक्शन, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन राइट. डिड यू गो टू जिम, आई वेंट टू जिम, आई डिड नॉट गो टू जिम. क्या आप जिम गए थे, मैं जिम गया था, मैं जिम नहीं गया था. सो आई एक्शन सेकंड फॉर्म का मतलब मैंने ये काम किया था राइट गाइस. सो आपको अगर अपनी पास्ट रूटीन बतानी है इट्स रियली सिंपल गाइस. आप कह देंगे मैं उठा था, आई गॉट अप. उसके बाद मैं वॉक पे गया था, आई वेंट फॉर अ वॉक. वापिस आया था, आई केम बैक. ब्रश किया था, आई ब्रश्ड. नहाया था, आई टुक बाथ. तैयार हुआ था, आई गॉट रेडी. ब्रेकफास्ट किया था, आई टुक ब्रेकफास्ट. उसके बाद आपने कहा कि मैं स्कूल गया था या कॉलेज गया था, आई वेंट टू स्कूल. आई अटेंडेड माई क्लास, या फिर आई स्टडीड भी बोल सकते हैं. आई केम बैक होम, आई टुक रेस्ट, आई टुक लंच, आई मेट माई फ्रेंड, आई यूज्ड माई मोबाइल, आई टुक एनीथिंग गाइस, आई टुक स्नैक्स राइट, आई मेट माई फ्रेंड. और जो भी काम आपने पास में किया था आप बता सकते हैं राइट. जैसे आपने कहा आई बॉट मोबाइल, आई वेंट टू मार्केट राइट, आई केम बैक, I took some rest, I watched the TV, I took dinner, I went to bed. That's it. This is my past routine. So it's really simple guys. Agar aapse koi aapki past routine puch le, it's really really simple, right? I got up, I went for a walk, I came back, I brushed, I took bath, I took breakfast, I went to college, I attended my class, I came back, I took rest, I took lunch, I met my friend, I used mobile, I started, I went to market, I came back, I played cricket, I took dinner, I went to bed. That's it. This is my past routine. And guys, I do know
देयर आर सो मेनी एक्शंस, बहुत सारे एक्शंस ऐसे होंगे अगर आप सोचने लगे कि आपने दिन में जो भी काम किए थे, अगर आप उन सब एक्शंस के बारे में सोचने लगे कि सर इन सब एक्शंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं. सो गाइस आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इन माय होल कोर्स, पूरे कोर्स में गाइस हम सब एक्शंस को, एक एक एक्शन को गाइस जरूर कवर करेंगे. अभी हम बेसिक्स में है, सो हम बेसिक्स में कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं से हम स्टार्ट करें, कहीं से हम कॉन्फिडेंस गेन करना स्टार्ट करें. और गाइस आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. And why it is an international language? Because it is the most easiest language in the world, guys. English world ki sabse easiest language hai. Isiliye guys ye international language hai, right guys? Aur agar main aur languages ki baat karun, even guys, even though like Hindi is our mother tongue, national language, so we do find it easy as compared to the English language. But guys, honestly telling you, jo log Hindi ko sunte hain, aur they find Hindi a very tough language. So, कहने का मतलब इट्स रियली रियली ईजी गाइज, नेवर मेक इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्प्लेक्स गाइज. चले गाइज नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर की. फ्यूचर में गाइज इट्स अगेन सिंपल, अगर मैं पूछूं कि आप कल क्या करोगे तो आप मुझे बता दीजिए सर मैं उठूंगा, वॉक पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, ब्रश करूंगा, नहाऊंगा, तैयार होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, क्लास लगाऊंगा, घर आऊंगा. इट्स सिंपल गाइज. सो आप इस केस में बोल सकते हैं आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, कुछ इस टाइप से. आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल कम बैक, आई विल ब्रश, आई विल टेक बाथ, आई विल गेट रेडी, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, आई विल गो टू कॉलेज, आई विल बोल देता हूँ मैं इसको, आई विल अटेंड माई क्लास, आई विल कम बैक होम, आई विल टेक रेस्ट, आई विल टेक लंच. सो लाइक दिस गाइज यू कैन टेल मी. सो कहने का मतलब फ्यूचर की रूटीन भी आप बता सकते हैं. सो इट्स रियली सिंपल गाइज. कहने का मतलब आई एक्शन से आप प्रेजेंट रूटीन बता सकते हैं, आई एक्शन सेकंड फॉर्म से आप अपनी पास्ट रूटीन बता सकते हैं, और आई विल एक्शन से आप अपनी फ्यूचर रूटीन बता सकते हैं. और अगर आपको ही की रूटीन बतानी है तो ही की रूटीन प्रेजेंट में, ही एक्शन एसओरीएस से बता देंगे. ही की रूटीन पास्ट से बतानी है तो आपको पता है पास्ट दोनों के लिए सेम होता है, ही एक्शन सेकंड फॉर्म. और ही की रूटीन फ्यूचर के लिए बतानी है तो ही विल एक्शन फ्यूचर भी सबके लिए सेम होता है. सो दिस इज ऑल गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, दिस इज ऑल अबाउट योर रूटीन गाइज. थैंक यू गाइज. Just keep trying, try to speak, just try to speak English guys and observe guys. English basically observation से आती है, right guys? मैंने आपको बताया actions के बारे में, बहुत सारे actions आपने observe करने हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन से actions हो रहे हैं, कौन कौन सी verbs आपके सामने use की जा रही हैं. So it's all about observation guys, right? But हाँ, basic इंग्लिश का बेसिक माइंड में बिठाना बहुत जरूरी है गाइज. इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखना बहुत जरूरी है, राइट? और मेरा यही टारगेट है कि आपके माइंड में बेसिक्स को इतनी बार हिट किया जाए कि आपके माइंड में वो बात बैठ जाए कि अच्छा ये बेसिक्स होता है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं. ओके आई विल ट्राई, ओके एटलीस्ट आई नो. सो मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट आपको सारी चीजें पता लग जाए इंग्लिश में. थैंक यू गाइज, thanks for watching the video. Stay tuned guys, have a good day guys, take care, and guys just hit the subscribe button to subscribe my channel for new videos guys. Have a good day, take care, bye bye guys, ciao, take care.